हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू नंबर वन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, नंबर टू सरफेस टेंशन, नंबर थ्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नंबर फोर ग्रेविटी। जैसा कि हमें मालूम है, सरफेस एनर्जी होती है इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया। और सरफेस टेंशन की वजह से ही लिक्विड का प्रॉपर्टी ये होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपनी शेप को कुछ ऐसा रखना चाहता है कि उसका सरफेस एरिया हो मिनिमम, सो दैट इसकी सरफेस एनर्जी हो जाए मिनिमम। यानी अगर सरफेस एरिया होगा मिनिमम फॉर ए गिवन वॉल्यूम तो सरफेस एनर्जी भी होगी मिनिमम। और हमें मालूम है किसी भी ज्योमेट्री में सबसे कम सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम होता है स्फीयर के लिए, और स्फेरिकल सरफेस होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसको पुल करते हैं इनवर्ड। तो इनवर्ड पुल करने की वजह से मॉलिक्यूल्स का हो जाता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से सरफेस एरिया हो जाता है मिनिमम, इसलिए सरफेस एनर्जी हो जाती है मिनिमम। तो द शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड गलत ऑप्शन है, सरफेस टेंशन सही ऑप्शन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गलत ऑप्शन है, और ग्रेविटी भी गलत ऑप्शन है। हमारा आंसर होगा आंसर नंबर टू। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।